हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर माइनक्राफ्ट मोड गेम प्ले। तो आज हम डालने वाले हैं माइनक्राफ्ट के GTA San Andreas के मैप में HUD मोड। तो कल की वीडियो में हमने बहुत सारे GTA के कैरेक्टर्स डाले थे इस मैप में, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये वाला मैप माइनक्राफ्ट में कैसे डालें और साथ में कैरेक्टर्स भी कैसे डालें। बट फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं अपने माइनक्राफ्ट में GTA San Andreas का HUD मोड इंस्टॉल करने। तो सबसे पहले तो हम अपना प्ले स्टोर खोल लेते हैं और वहां से हम लोग डाउनलोड करेंगे एडॉन्स फॉर माइनक्राफ्ट। तो गाइज, ये वाला ऐप मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहां पर हम लोग सर्च बार में जाएंगे और यहां पर हम सर्च करने वाले हैं GTA HUD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही मैप है जो हमने कल खेला था और इस पर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, तो आप इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी के लिए हम ढूंढ रहे हैं अपना GTA San Andreas का HUD मोड और ये हमें मिल चुका है और इसका टाइटल नेम है GTA SA HUD टेक्स्चर पैक। तो इसको अब हम कर लेते हैं जल्दी से इंस्टॉल। और अब हमारी माइनक्राफ्ट होगी ओपन और इसके बाद हमारा जो कि ये मोड अपने आप इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो ये वही वाला मैप है जिसमें हमने कल खेला, तो हम इसी पे जो कि है एड ऑन ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग क्लिक कर देंगे इसके सेटिंग बटन पर और फिर उसके बाद हम लोग जो कि है रिसोर्स पैक्स में से एक्टिव कर देंगे अपना मोड को। और अब हमें बस लोड होने का वेट करना है और आप देख सकते हो कि इसका जो लोडिंग स्क्रीन है वो भी कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटस बार ऐड हो चुका है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा GTA San Andreas गेम में है। और फिलहाल यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं अपने ग्रूव गैंग के मेंबर्स को और यहाँ पर हमारा CJ भी खड़ा हुआ है। बट यहाँ पर अपने स्टेटस बार में हमें कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ बार जो कि रेड कलर में होता है और एक स्टेमिना बार भी होता है जो कि लाइट ब्लू में होता है और एक एयर बार भी होता है जो कि शायद वाइट कलर में होता है। तो बेसिकली हमें शुरुआत में इसलिए नहीं देखने को मिल रहा था क्योंकि ये गेम डिफ़ॉल्ट मोड में क्रिएटिव मोड में होता है, तो हमें इसको सर्वाइवल पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही लग रहा है जैसे GTA San Andreas गेम में होता है। और फिलहाल हम एयर बार तो देख नहीं सकते क्योंकि हम जब पानी के अंदर डुबकी लगाते तभी हमें वो देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने हेल्थ बार को चेक करने के लिए कि अगर हमें कोई डैमेज मिलता है तो वो कैसे शो होगा। और फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ इस ब्रिज से कूदने की और यहाँ पर फेंस है तो यहाँ से कूदना थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया कूदना। और यहाँ पर जो हमें डैमेज हुआ है वो आप एकदम देख सकते हैं कि हमारी जो आधी HP है वो लगभग कम हो चुकी है। तो गाइस, फाइनली हमारा HUD मोड के बाद हमारा जो माइनक्राफ्ट है वो बिल्कुल और भी GTA San Andreas गेम की तरह लग रहा है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको भी ये वाला मोड डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और हमारा माइनक्राफ्ट का मैप जो कि है लगभग San Andreas जैसा लग रहा है, बट अभी मैं फिलहाल और भी मोड्स ऐसे ही ढूंढता रहूंगा और आपको ऐसे ही अपडेट्स देता रहूंगा। तो ऐसे ही ढेर सारे माइनक्राफ्ट के वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।